हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नेहू एस मोटिवेशन इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम वाचिंग माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस सो आप अगर मेरी पहले वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें मेरे चैनल का नाम एनजे था बट नाओ आई हैव चेंज नाओ माई चैनल नेम इज़ नेहू एस मोटिवेशन due to some reason i have changed my channel name but no matter it's not bad all. you can understand thank you so much guys you all are supporting me you all are liking my videos and you are showing me your love मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस पे अपना प्यार दिखाते हो मेरी वीडियोस को लाइक करते हो उन्हें शेयर करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख के खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो आई होप आई होप दैट यू ऑल आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन कुटॉस विद यू आई लाइक दिस कुटॉस एंड टुडे आई विल शेयर सो द कुटॉस इज़ पैसेमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटीज द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटीज इन एवरी डिफिकल्टी आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्या आप रिलेट कर पा रहे हो आर यू अंडरस्टैंडिंग मीन्स इफ यू आर पैसेमिस्ट अगर आप हर चीज़ में डिफिकल्टी देखते हो अगर आप नेगेटिव हो अगर आपको डर लगता है तो आपके सामने अगर अपॉर्चुनिटी होगी भी तो भी आप उसमें डिफ़िकल्टी देखोगे एंड दैट टाइम यू आर यू वुड अनेबल टू टैकल दैट प्रॉब्लम सो दैट यू आर पैसिमिस्ट अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो मींस आप हर डिफ़िकल्टी में अपॉर्चुनिटी को देख लेते हो आप हर डिफ़िकल्टी को टैकल करना जानते हो कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करना है कैसे फेस करना है ना यू आर ऑप्टिमिस्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग पैसेमिस्ट एंड ऑप्टेमिस्ट इफ़ यू आर पैसेमिस्ट अगर आप पैसेमिस्ट हो तो नाउ यू आर अनेबल टू गेट सक्सेस बिकॉज अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी आएगी तो आप उस अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी ही देखोगे एंड यू वुड नॉट फेस दैट प्रॉब्लम एंड अदर हैंड इफ यू आर ऑप्टेमिस्ट अगर आप ऑप्टेमिस्ट हो और आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं बिकॉज ए सक्सेसफुल मैन नेवर लीव्स द अपॉर्चुनिटी क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी बताकर नहीं आती कि हाँ मैं आ रही हूँ इट्स डिपेंड ऑन अस दैट हाउ वी कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को कैसे देख रहे हैं कैसे उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कैसे अपना हंड्रेड परसेंट दे पा रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल दोनों लोगों के पास ट्वेंटी फोर आर हैं बट ये डिपेंड करता है कि हम उन ट्वेंटी फोर आर को कैसे यूज़ करेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम उन ट्वेंटी फोर आर को यूज़ करेंगे चाहे सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल अपॉर्चुनिटी हर किसी की लाइफ में आती है बट ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर डेली हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको कैसे पहचान पा रहे हैं कैसे उसको फेस कर पा रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है बट हम उस अपॉर्चुनिटी को हमारे डर की वजह से नहीं देख पाते और हम उस अपॉर्चुनिटी को वहीं छोड़ देते हैं लेकिन अगर कोई ऑप्टिमिस्ट है अगर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है रियलिटी में तो वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता चाहे कैसी भी डिफ़िकल्टी आ जाए कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए फाइनेंशियली आ जाए कैसी भी प्रॉब्लम हो बट वो उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ के आने से हम सीखते हैं कि कैसे हमें उन चीज़ों को मैनेज करना है कैसे हमें प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना है इन छोटी, छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए हम अपने सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स को फ़ेस करना फेलियर को फ़ेस करना ही हमें सक्सेस की ओर लेके जाता है एज एज यू ऑल नो कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं सो वी ऑल वॉन्ट टू लिव इन कम्फ़र्ट जोन तो हमें उस कम्फर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा और ये सिर्फ वही कर सकता है जो सक्सेस होना चाहता है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट सक्सेस यू हैव टू लिव योर कम्फर्ट जोन अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ फिर वही आपका रूटीन रहेगा डेली लाइफ का जो आज नॉर्मल लोगों का है सुबह उठना प्राइवेट जॉब करना देन वहाँ क्रिटिसाइज को सुनना और देन घर आना इट्स नॉट अ सक्सेस वॉट इज सक्सेस जब हम अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करते हैं और उन फेलियर को फेस करने के बाद उठकर फिर से उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और जो जो हमारा गोल है जो हमारा टारगेट है उसे अचीव करते हैं डेट इज सक्सेस डेट फर्स्ट ऑफ ऑल यू फेस प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशंस एंड क्रिटिसाइज देन यू गेट योर सक्सेस सो जो फेलियर को फेस करता है और फेलियर को फेस करने के बाद उठकर अपने टारगेट या अपने गोल को पाता है वो सक्सेस है अगर आप फेलियर फेस करके वहीं रुक जाते हो और अपने गोल से पीछे हट जाते हो इट मीन्स आप अपने सक्सेस से दूर हो गए अब आपको सक्सेस नहीं होना अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको फेलियर को फेस करना पड़ेगा क्योंकि फेलियर को फेस करने से हमें हमारी गलतियों का पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की थी और कैसी गलती की थी और जब हम अपनी उस गलती को इम्प्रूव करके आगे बढ़ते हैं अपने गोल की तरफ अपने टारगेट को पाने के लिए तो इसे सक्सेस बोलते हैं दैट यू आर नाउ गोइंग टू गेट योर सक्सेस सो माय मोटिव इज अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर फेलियर्स आ रहे हैं तो आपको उन्हें फेस करना है उनसे सीखना है और उनको सीखते हुए आगे बढ़ना है जिससे आप अपने सक्सेस की ओर अपने गोल की ओर एक स्टेप और आगे बढ़ा पाए सो so, लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम आए कितनी भी फ्रस्ट्रेशन आए आपको पीछे नहीं हटना आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना है और कुछ नया सीखना है जब हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ नया सीखते हैं तो इससे जो हमारी पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होती है और हमें कुछ नया सीखने को मिलता है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट सक्सेस यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट सक्सेस यू हैव टू ग्रैप द अपॉर्चुनिटीज एंड टैकल द प्रॉब्लम सो दैट यू कैन लर्न मैनी थिंग एंड बाय दैट यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी डे बाय डे इट विल रियली हैल्प यू इन योर फ्यूचर इट विल रियली हैल्प यू टू मैनेज द थिंग्स दट हाउ कैन यू मैनेज ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ इन डिफिकल्ट सिचुएशन आई होप यू हैव लर्न सम थिंग इन दिस वीडियो अगर आप चाहते हो मैं ऐसी ही वीडियोज बनाऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें उन्हें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन्हें शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले आई नो देअर आर मैनी मोटिवेशनल स्पीकर्स दे कैन मोटिवेट यू बट इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो आई हैव लर्न इन आई आई हैव लर्न फ्रॉम माई पास एंड आई एम शेयरिंग विद यू